दोस्तों, हनुमान जी महाभारत में युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में नजर आए थे। इस दौरान वो पूरे युद्ध में अर्जुन की रक्षा करते रहे। युद्ध के बाद जब वो रथ छोड़कर चले गए तो रथ राख बन गया। बाद में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो हनुमान ही थे जिसकी वजह से युद्ध में तुम्हारा रथ नष्ट नहीं हुआ। इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बात सामने आई। इसमें भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देश भी शामिल हैं। यहाँ अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक शक्तिशाली वानर के होने की चर्चा होती रहती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में हनुमान जी खुद प्रकट हुए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी समय उनकी नजर यहाँ तपस्या कर रहे यक्ष पर पड़ी। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर ही यक्ष से याक, याक से याकू और याकू से जाखू तक बदलता गया। हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाखू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे वहां आज भी उनके पद चिन्हों को संगमरमर से बनवा कर रखा गया है। यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी का परिचय लेने के बाद वापस जाते हुए उन्होंने मिलकर जाने का वचन यक्ष ऋषि को दिया और द्रोण पर्वत की तरफ चल पड़े। मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस के कुचक्र में फंसने के कारण समय के अभाव में हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या होते हुए चल पड़े। जब वो वापस नहीं लौटे तो यक्ष ऋषि व्याकुल हो गए। हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद इस स्थान पर हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हो गई, जिसे लेकर यक्ष ऋषि ने यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। आज ये मूर्ति मंदिर में स्थापित है और दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते हैं। अब बात करते हैं रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ। हनुमान जी भगवान शिव का रुद्र अवतार थे और वो बहुत ही शक्तिशाली थे। हनुमान जी की सहायता से राम जी ने लंका पर जीत प्राप्त की थी। हनुमान जी का जिक्र रामायण में सबने सुना होगा कि वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने लंका को आग लगा दी थी। वो पूरी रामायण में राम जी के साथ साय की तरह बने रहे। लेकिन रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ, इसके बारे में लोगों को नहीं पता होगा। रामायण के बाद हनुमान जी का जिक्र महाभारत में मिलता है। इस बार भीम को अपने ताकतवर होने का बहुत घमंड हो गया। फिर क्या, इस बार भीम जंगल के रास्ते जा रहा था तो वहां बीच रास्ते में एक वानर मिला जिसको भीम ने बुरा भला कह के हटने को बोला। वानर रूपी हनुमान जी भीम से बोले, तुम मुझे हटा के दिखाओ तब मैं हट जाऊंगा। भीम के काफी प्रयास करने के बावजूद भी वो वानर को हिला तक नहीं पाए और बोले कि मुझे आप कोई आम वानर नहीं लग रहे हैं। तो हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और उसके सामने हनुमान रूप में प्रकट हो गए, जिससे भीम का घमंड टूट कर चूर चूर हो गया। हनुमान जी को अमर जीवन का वर प्राप्त था और इसी वजह से वो कलयुग तक सृष्टि में मौजूद हैं। ये तो नहीं पता कि वो इस सृष्टि में कहां हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि हनुमान जी राम के भक्त होने के कारण जहां राम जी मौजूद वहां उनके भक्त मौजूद रहते हैं। 7वीं सदी में हनुमान जी को तुलसीदास ने देखा था और उनके कहने पर तुलसीदास जी ने रामायण की हिंदी शब्दों में रचना की। अब बात करते हैं ऐसे मंदिर की जहां हनुमान जी के साथ विराजित हैं उनकी पत्नी सुवरचला। हनुमान जी के बारे में माना जाता है कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भारत में कुछ हिस्से खासकर तेलंगाना में हनुमान जी को विवाहित माना जाता है। इन क्षेत्रों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवरचला है और वो सूर्य देव की पुत्री है। यहाँ पर हनुमान जी और सुवरचला का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अलावा पाराशर संहिता में भी हनुमान जी और सुवरचला के विवाह की कथा है। हैदराबाद से 220 किलोमीटर की दूरी खम्मम जिला में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवरचला का मंदिर है। ये एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवरचला की प्रतिमा विराजमान है।
मान्यता है कि जो भी हनुमान जी और उनकी पत्नी के दर्शन करता है उन भक्तों के वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच सदैव प्रेम बना रहता है। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, हनुमान जी विवाहित हैं या फिर बाल ब्रह्मचारी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।